नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। उज्जैन में विभिन्न क्षेत्रों में रोको टोको अभियान चलाया गया, जिसमें जो बगैर मास्क के जो समाज के दुश्मन घूम रहे थे उन सभी को अस्थायी जेल पहुँचाया गया एवं चालानी कार्यवाही की गयी। सीधे सर आजकल जेल भेजा जा रहा है या कुछ चालानी कार्रवाई भी है जो पहला फाटक से चल रहा है? कुछ नहीं है, बढ़ते हुए कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो कम से कम मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। अभी हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको सिविल जेल भेजा जा रहा है। अभी तक सर कितने आज अस्थायी जेल जा चुके हैं? आज मेरी जानकारी के मुताबिक 12 जा चुके हैं, बाकी लोग रिट होने के बाद भेजे जाएंगे। सर कुछ स्पॉट फाइन वगैरह का भी अभी चल रहा है कि सीधे जेल का ही? स्पॉट फाइन वगैरह काम कर रहा है लेकिन वो टीम यहाँ नहीं है, वो किसी और पॉइंट पर काम कर रही है। ये अभी तक कितनों के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई है? कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, जो कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके स्पॉट फाइन के साथ साथ उन्हें अस्थायी जेल में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक यहाँ से 15 से 20 लोगों को स्पॉट फाइन अस्थायी जेल में भेजा जा चुका है। सर अभी तक कितने बिगर मास्क वालों के चालान हुए? करीबन 20 लोगों को अस्थायी जेल भेजा जा चुका है और 25 लोगों का चालान बना दिया है। अभी ये कब तक अभियान चलना है? अभी 2 बजे तक अभियान चलेगा, उसके बाद शाम को 5 बजे से शुरू होगा। 5 बजे से कब तक चलेगा? रात 8 बजे तक। 8 बजे।